पार्षद राजेश अग्रवाल के नेतृत्व में गृह कर बिलों के संशोधन में देरी व आवासीय घरों में शटर लगे होने पर उसे व्यावसायिक मानकर बिल भेजने पर नगर निगम पहुंचे पार्षद राजेश अग्रवाल मुख्य निर्धारण अधिकारी से बोले कि शटर को कैसे आप आधार बना सकते हो अगर उसमें कुछ व्यावसायिक गतिविधि नहीं हो रही है। राजेश अग्रवाल ने शिकायत की। शिकायत सुनने के बाद मुख्य निर्धारण अधिकारी प्रदीप कुमार मिश्रा ने कहा कि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं होगी और जो समस्या आई है उसका समाधान किया जाएगा। रिपोर्ट अमरजीत सिंह। आज हम मेयर साहब और सीटीओ साहब अपर नगर आयुक्त साहब से भेंट हुई नगर निगम के द्वारा जो जनता आपत्ति दे रही है जो स्वेगर के फॉर्म भर रही है उसमें 20-20 दिन के बाद संशोधन नहीं हो पा रहा है। अगर अभी भीड़ नहीं है तो ये हाल है, आगे भविष्य में क्या होगा इस संबंध में आए। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो ये है कि आवासीय भवनों में अगर आपके यहाँ शटर लगाया तो नगर निगम उसे कॉमर्शियल मान के 5 गुने का बिल भेज रहा है जो गलत है। सर्वे के उपरांत भी उन्होंने ऐसा किया। हमारे सीनियर सिटीजन है जी एस भिंडर साहब, इन्होंने आपत्ति लगाई मेरे कहने पे और जांच हुई बाकायदा और टूटी हुई जगह थी, 100 जगह थी, 18 साल से उस जगह का ताला नहीं खुला है। लेकिन उसके उपरांत भी जब जांच करके पुनः बिल इशू किया गया तो वो बिल कॉमर्शियल का किया गया और 7,000 समथिंग का किया गया। ये अभी अभी मुझे जानकारी मिली, दुबे साहब हैं अवधेश दुबे, इनका आपत्ति का फॉर्म भी मैंने स्वेटर का भरा था, आपत्ति का स्वेटर का फॉर्म मैंने भरा था अपने हाथों से। और ये अभी यहाँ पे हमारे इसी बीच अपना बिल देखने आए तो इनका ये बिल है उसमें 3,000 कुछ का टैक्स बनाया था और इन्होंने स्वागत में भी 7,903 का बना दिया है। तो इन सब कमियों के लिए हम आए हैं और सीटीओ साहब ने महापौर साहब ने हमसे आश्वासन दिया है कि जो भी कमियां दूर की जाएंगी और उन्हें अवगत कराया कि कुछ लोग जनता को भ्रमित करते हैं नगर निगम के कर्मचारी कि साहब आपके यहाँ शटर लगाए हम कॉमर्शियल में गिन लेंगे, ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी ये सुनिश्चित हुआ है। इसी सब के लिए आज हम फिर से आए हैं और फिर आपके चैनल के माध्यम से बता दें जो जो कमी हमें जनता बताएगी हम उसके लिए बार बार आएंगे। और हम जनता से भी अपील करना चाहते हैं कि वो इस समय अपना टैक्स जमा कर दे, बिलों को संशोधन कर ले, अगर वो अंतिम समय में तारीखों में आएगा तो नगर निगम के संसाधन इतने अधिक नहीं है कि वो बिलों में सुधार कर सके, फिर जनता को विद इंटरेस्ट विद पेनाल्टी अपना भुगतान करना पड़ेगा। इस खाली समय का जनता लाभ उठाए, लेकिन हम देख रहे हैं कि कतई भी भीड़ काउंटर्स पे नहीं है। जनता से पुनः निवेदन है कि वो इस समय आके अपने बिलों का संशोधन करा ले, भले ही वो टैक्स 15 दिन बाद जमा कर दे। इन्हीं सब के लिए मैं अपील करता हूँ और इसी सब समस्याओं के लिए आज हम फिर नगर निगम आए थे। बस